गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है 32 का। हम यहाँ पर मॉर्निंग असेंबली कर रहे हैं और हम मना रहे हैं पोषण पखवाड़ा। तो हम बच्चों को पोषण पखवाड़ा के बारे में कुछ बता रहे हैं कि पोषण पखवाड़ा आखिर होता क्या है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने स्कूल में मना रहे हैं पोषण पखवाड़ा। पोषण के बारे में सुना है? क्या होता है पोषण, कुछ आइडिया? जिसमें हम खाने के बारे में बात करते हैं, हेल्दी खाने के बारे में बात करते हैं, है ना। हेल्दी डाइट सबने सुनी है, जंक फूड सबको सुना है ना, ये सब चीज़ों से आप वाकिफ हो, है ना। हम खाना खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हेल्दी खाना खाते हैं, कुछ बच्चे अनहेल्दी खाना खाते हैं, है ना। हम इस हफ्ते में पोषण पखवाड़ा मनाएंगे और हम इसमें आपको यही नॉलेज देंगे कि क्या चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम सब लोग जानते हैं कि एक जंक फूड होता है ना। जंक फूड में क्या क्या कवर होता है? हमें सबको अच्छा लगता है, लेकिन इससे हमें कोई पोषण मिलता है? ये सिर्फ किस चीज़ के लिए अच्छा होता है? सिर्फ टेस्ट के लिए, है ना। तो हमें क्या खाना चाहिए अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, जंक फूड या घर का बना खाना, है ना। घर का बना खाना खाना चाहिए। घर के बने खाने में सबसे पहली बात एक सफाई होती है, है ना। घर के बने खाने में घर में ज़्यादातर हमारी सब्जियां बनती हैं, है ना, हमारा खाना बनता है। और वो सारी सब्जियां कहाँ से आती हैं? खेतों से आती हैं, है ना। हम हमारी मम्मियां सबसे पहले खाना बनाने के लिए हाथ धोती हैं, है ना। हम जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, हमें नहीं पता कि वो हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं, है ना। तो सबसे पहली अनहेल्दी चीज़ वहीं से शुरू हो जाती है, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। तो हमने क्या करना है, आज से सबने ये संकल्प लेना है कि हमने घर का बना खाना ही खाना और पौष्टिक आहार ही खाना है। ठीक है, हर्बल गार्डन है जिसमें हम बच्चों को अलग अलग वैरायटीज़ के हर्ब्स के बारे में बताते हैं और उनके यूजेस लाइफ में कैसे वो घर पे इसको ग्रो कर सकते हैं और कैसे वो इनको आगे अपनी लाइफ में थ्रू पूरी लाइफ में इसका जो है फ़ायदा उठा सकती है। ये बेटे स्टीविया है जिसको हम मीठी तुलसी के नाम से भी जानते हैं। ये एक तुलसी प्रजाति का ही पौधा है और ये जो है शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए उनकी एक तो शुगर लेने की जो मीठा खाने की तलब है वो भी पूरी हो जाती है। आप इसके पत्तों को खा भी सकते हो और अपनी चाय में भी डाल सकते हो। धन बेटे इस पौधे से कहते हैं कि तुलसी का पौधा है, ये सभी को पता होता है, हर जगह पे हो जाती है ये तुलसी जो है। कहते रोग शोक और खुशी में सारी जगह पे यूज़ होती है और इसका बेटे इतना ज़्यादा महत्व है कि कहते हैं कि एक इंसान ने सिर पर मौत मंडरा रही थी, वो पौधा लेके आ रहा था तुलसी जी का कहीं से, तो उसकी मौत भी कर गई थी। तुलसी के इतने ज़्यादा गुण हैं कि आप सभी को पता है, कफ हो, जुकाम हो, नज़ला हो, इवन देन कोविड से हम गुजरे हैं तो कोविड के टाइम पे भी तुलसी के काढ़े आयुष्मान ने भी रिकमेंड किए। बार बार आपको टीवी के नीचे भी आता था कि तुलसी का काढ़ा पियो, इसमें गिलोय मिला लो, अजवाइन मिला लो। तो तुलसी जो है हमारे सारी जगह पे पूजा पाठ में भी और एक ये हमारी एयर को भी प्योरीफाई करती है। ये एलोवेरा है, एलोवेरा का प्लांट आप सभी को पता है जिसको हम कुंवार गंगल के नाम से भी जानते हैं या कुंवार धोती के नाम से भी जानते हैं। ये जो कुंवार गंगल है आपके बर्न्स को हील करती है, यानी कि कहीं जल गए हो आप लगा लो, सनबर्न को हील करती है, यानी कि हम अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो रोशनी की, उसमें से जो किरणें हमें हार्म पहुँचाती हैं क्योंकि डे बाई डे ओजोन की मात्रा कम होती जा रही है और उसके लिए स्किन के लिए बेस्ट है। इसको यूज़ कैसे करना है, लोग सोचते हैं काटो यूज़ कर लो, नहीं, इसको जब आपने काटना है थोड़ी देर के लिए रख जाना है, देना है, उसमें से एक येलो कलर का पीले रंग का पानी निकलेगा, उसको 5 मिनट के लिए पीने देना, वो निकाल देना है, उसको नहीं खाना है आप, इस या लगाना भी नहीं है, ठीक है जी, अप्लाई भी नहीं करना कहीं पर, उस पीले वाटर को काट देना है उतना पोर्शन। और उसके बाद का जो इसका जेल होगा, आप इसकी जेल भी घर में बना सकते हो, बहुत महंगी महंगी बिकती हैं जेल, लोगों ने फार्मिंग की हुई है, आप फेस पे लगा सकते हो, इवन देन खा भी सकते हो। हाँ जी बेटे, ये इसमें हमारे सदाबहार के पौधे लगे हुए हैं, ये एक और बहुत अच्छी हमारी हर्ब भी है, प्लांट भी है, फ्लावर भी है। इसका फ्लावर अगर असं यूज़ करते हैं हम तो कहते हैं कि बुढ़ापा नहीं आता। दूसरा, पेट की बीमारियों के लिए वरदान है। तीसरा, इसकी पत्तियाँ अगर सुबह सुबह खाई जाएं ये भी शुगर को क्योर करती हैं। इवन देन इसमें कैंसर को रोकने की भी प्रॉपर्टीज हैं।
अगर किसी व्यक्ति को कैंसर जो खाएगा उसको तो होगा ही नहीं, हो गया है तो इसके 3-4 पत्ते कोमल कोमल आप सुबह उठा के पीजिए तो उसके लिए ठीक है। जैसे आपकी टीन एज चल रही है तो उसमें मुहासे हो जाते हैं, मुहासों में इसका अगर पत्ते रगड़ के पानी लगाया जाए तो सुबह तक वो गायब होते हैं। ये इतना अच्छा पौधा है और लगता बड़ी अच्छी तरह से है, इतनी की भी आप इसकी टहनी भी कहीं लगा दोगे तो ये कहीं नहीं जाता, उखड़ता नहीं है और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है।